गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिक सेक्शन ऑफ अवर मैथ सिलेबस ऑफ क्लास 9th। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का यहाँ से ज्योमेट्रिक सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है ना। अल्जेब्रिक सेक्शन खत्म हो गया, चैप्टर 4, चैप्टर 5 को हम, वैसे चैप्टर 5 भी ज्योमेट्रिक सेक्शन ही है, लेकिन वो 90% ओमिट हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो भी हम उसको लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में ना, सारा कोर्स करने के बाद। तो यहाँ से अब हम ज्योमेट्रिक सेक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिक सेक्शन की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई कह दो या सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो होता है लाइन। वैसे तो उससे भी छोटा यूनिट होता है पॉइंट, है ना, लेकिन अब पॉइंट को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, प्रैक्टिकली हम छोटी इकाई को लाइन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि लाइन से फिर एंगल बनेगा, एंगल से ट्रायंगल बनेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल से कुछ 3D फिगर्स बनेंगे, इस तरीके की चीजें होंगी। तो हम लाइन से ही सारी चीजों को शुरू करते हैं ना। तो उससे पहले मुझे बताओ, आप सब लोग रेडी हो ना, ज्योमेट्रिक अपने इंस्ट्रूमेंट सारे रखे हुए हैं साथ में? यस सर। तो शुरू के एक या दो दिन या तीन दिन भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम केवल और केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। नो डाउट आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, या कुछ बच्चे आधा अधूरा जानते होंगे, थोड़ी सी नॉलेज क्लियर होगी, थोड़ा धुंधला धुंधली नॉलेज होगी माइंड में, तो सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसके बीच में आपके माइंड में, ठीक है सर, हाँ, इसके बीच में आपके माइंड में जो भी जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा हो, जो आप पहले अपने टीचर से नहीं पूछ पाए किसी भी कारण से, मान लो स्कूल में नहीं पूछ पाए, शर्म के मारे नहीं पूछ पाए, या फिर डर के मारे नहीं पूछ पाए, या फिर ट्यूशन भी कहीं जाते थे वहां भी नहीं पूछ पाए, आप खुल के यहाँ पूछेंगे। समझ में आई बात? जो भी जिस भी टाइप का डाउट है ना, क्योंकि ये ज्योमेट्री है बेटा, यहाँ पे डाउट रह गया ना तो कुछ भी समझ में नहीं आना, कुछ भी समझ में नहीं आना। और अगले 6, 7, 8, 9, 10 पांचों चैप्टर ज्योमेट्रिक हैं, पांचों चैप्टर्स के अंदर हमको केवल और केवल ज्योमेट्रिक कल ही फिगर्स बनाने हैं, प्रूफ्स हैं बहुत सारे। हालांकि 6th चैप्टर जो ये पहला चैप्टर है, इसमें प्रूफ नहीं है, इसमें सॉल्व करने के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन 7th चैप्टर से तो प्रूफ ही प्रूफ स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो प्रूफ तो तभी कर पाओगे ना जब आप चीज को जानते हो, भाई रट के थोड़ा जाओगे, इतनी सारी थ्योरम्स है तो सारी थ्योरम थोड़ा रट के चले जाओगे, आप समझ समझ के ही करोगे। और समझोगे कब? जब आप चीज को बेस लेवल से जानते हो कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। शुरू करें, ऐसे मत सोचना कि सर ये तो 6th क्लास की बात क्या बता रहे हो, हमको पता है लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, हमको पता है। नहीं, एक बार फिर भी जरूरी है कि सारी चीज को पॉपअप करके बिल्कुल डिफाइन करो। उसमें हमको 2-3 दिन भी लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप लिखते भी जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि लिखने से अच्छी नॉलेज होती है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया, पॉइंट होती है, वैसे तो सबसे छोटी का है, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकली ना यूज करके लाइन से शुरुआत करते हैं, माना वो फिर बहुत ही ज्यादा आप जूनियर में चले जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट से शुरुआत करने लग जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा सर आप तो 4th क्लास में ही लिया है, इसलिए थोड़ा सा आप वो वाली फीलिंग ना देके लाइन से शुरू करते हैं। तो पहली सबसे छोटी इकाई है लाइन। देखो क्या कह रहा है, क्या होती है एक लाइन? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन वैरी। वैरी का मतलब होता है बढ़ना या बदलना, जो बढ़ सकती है, कहां बढ़ सकती है? ऑन ईदर साइड्स, दोनों साइड्स, ईदर का मतलब होता है दोनों, दोनों साइड्स में, यानी कि एक लाइन है वो इस साइड भी बढ़ सकती है जितनी चाहे आगे, इस साइड भी बढ़ सकती है जितनी चाहे आगे, विच कैन वेरी ऑन ईदर साइड, दिस साइड और दिस साइड, एंड विच हैज नो एंड पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का ना, और ये जो लाइन होती है ये वन डायमेंशनल फिगर होती है, और इसमें वन डायमेंशन क्या होता है? लेंथ होती है। भाई एक लाइन की तो केवल लंबाई होगी ना, आप ऐसे तो ना कहोगे इस लाइन की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, ऐसे तो ना कहोगे, आप क्या कहोगे? इस लाइन की लंबाई है, बस जो भी है इसकी लंबाई है। तो एक ही डायमेंशन होता है इसमें, और इस डायमेंशन को क्या कहा जाता है? लेंथ कहा जाता है। यहां तक नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक नोट डाउन करो और लाइन बना लो कैसी होती है, नीचे देखो फिगर भी बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ज्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट, हाँ देखो ये हो गई लाइन जो नीचे मैंने बनाई हुई है, दिस इज लाइन। देखो कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका, यहाँ पे भी ये कितनी भी वैरी कर सकती है, बढ़ सकती है, यहाँ पे भी ये कितनी भी वैरी कर सकती है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है? देखो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सपोज करो मैंने एक पॉइंट मार्क किया,
एक प्लेन फिगर पे, जो कार्टेशियन प्लेन हम समझते थे इतने दिनों से समझ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया, एक और पॉइंट मार्क किया, फिर एक और पॉइंट मार्क किया, फिर एक पॉइंट मार्क किया, फिर एक पॉइंट मार्क किया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का जब मैं कलेक्शन कर लूं, कलेक्शन यानी को एक ग्रुप में पैक कर लूं, तो लाइन बन गई? बनी नहीं बनी? ठीक है ना, तो कह सकता हूं ना भाई लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, लाइन क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, तो कोई भी बात समझ नहीं आ रही पूछो भी, सर आपने लिखा ये लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है कैसे है ये? मेरा वेट मत करो कि मैं बताऊं, अगर कई बार क्या है माइंड से स्लिप भी हो जाती है, जैसे अभी तुम्हें कोई दिख गया तो मैंने बता दिया, नहीं तो मैं आगे भी चला जाता। तो आपको पूछना है, आपका दायित्व बनता है, बिकॉज पहले बता चुका हूं आप जूनियर क्लासेस में नहीं है, अब आप सीनियर क्लासेस में, तो दायित्व आपका बनता है कि आप भी आपके डाउट साथ के साथ क्लियर करते चलें। लिखो, आप लिखो, यस सर, लिख लिया यहां तक। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, लाइन तो समझ गए सब, क्या होती है लाइन, बोलो क्या होती है लाइन, व्हाट इज अ लाइन? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सिंगल डायमेंशन होता है और सर लेंथ ही होती है इसमें। ठीक है, और दोनों साइड वेरी कर सकती है, दोनों साइड वेरी कर सकती है, इस साइड भी, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, भाई दो ही तो साइड्स होंगी, या तो ये होगी या ये होगी, या तो ये होगी या ये होगी। 8 बजे तक क्लास है, 8 बजे तक, या तो इस दो साइड होगी, तो दोनों साइड वो वेरी कर सकती है, इधर भी भाग सकती है, इधर भी भाग सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखो इसके ऊपर मैंने लिखा है L, इसके ऊपर मैंने लिखा है L, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसको सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल स्मॉल लेटर, सिंगल लेटर है ये और स्मॉल लेटर है, सच एस L, M, N, एक्सेट्रा, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल स्मॉल लेटर, सिंगल होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, याद रहे, कैपिटल लेटर से कभी भी लाइन को डिनोट नहीं कराएंगे, चीज को बिल्कुल बेस से पकड़ के चलना, जो भी समझा रहा हूं बिल्कुल बेस लेवल से याद करते हुए चलना। ठीक है सौम्या, आप चीजें बहुत भूलते हो, सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट कराएंगे, इट शुड बी सिंगल, इट शुड बी स्मॉल, राइट? यस सर, डन। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब लाइन से बना लाइन सेगमेंट, अभी जैसे बीच बीच में मैंने गोले बोले बना रखे ना, आप चाहो तो बना लेना, मैंने ये समझाने के लिए बना रखे हैं, आप अगर आप क्लियर रखना चाहते हो नोट्स तो कैसे ना भी बनाना, और आपको समझ के करना है तो देख लेना आपके हिसाब से। लाइन सेगमेंट लिखो, सेकेंड हेडिंग लाइन सेगमेंट, लिख लिया हेडिंग। देखो बेटा सेगमेंट का मतलब समझो, मैंने क्या कहा, बिल्कुल बेस लेवल से पकड़ के चलो चीज को, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या फिर हिस्सा, क्या होता है, पार्ट या फिर हिस्सा, हिस्सा। कई बच्चे सेगमेंट का मतलब तो समझते नहीं है, केवल इतना समझ लेते हैं, देखो एक टीचर ने बताया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक टीचर ने बताया बेटा लाइन तो ये होती है जो हर तरफ भाग सकती है, और लाइन सेगमेंट ये होती है जो कहीं भाग नहीं सकती, उसका एंड पॉइंट, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एंड पॉइंट होता है, ये बिल्कुल सही बताया टीचर ने, इसका एंड पॉइंट हो गया ए बी, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको सिंगल स्मॉल लेटर एल से डिनोट करा दिया, तो सही तो बता दिया, लेकिन बच्चे ने तो रट लिया कि ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, क्या है साहब लाइन सेगमेंट, जिसका एंड पॉइंट है, लेकिन ये नहीं सोचा कि यहाँ पे सेगमेंट वर्ड क्यों आया है, पता है क्यों आया है, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या फिर कोई टुकड़ा या फिर कोई हिस्सा, क्या मतलब होता है सेगमेंट का, पार्ट या फिर हिस्सा, ध्यान से सुनो, लाइन सेगमेंट, लाइन
सेगमेंट मतलब क्या हुआ? लाइन का सेगमेंट मतलब क्या हुआ? लाइन का एक पार्ट या लाइन का एक हिस्सा, यस और नो? अब ये लाइन पहले दोनों तरफ भाग रही है, इसको काट दो, रोक दो, तो ये जो पार्ट है ये इसका एक सेगमेंट बन गया, एक इसका हिस्सा बन गया. यस सर. तो ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, मान ली बात. लेकिन वहां पे सेगमेंट वर्ड क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ये इस लाइन का एक पार्ट है, काटा हुआ एक हिस्सा है, इसलिए इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. क्योंकि आगे चल के 12th चैप्टर में आएगा सेक्टर सेगमेंट, सर्किल का भी सेक्टर और सेगमेंट होता है. वहां पे बच्चे यहीं पे समझ के नहीं जाते ना कि सेगमेंट क्या होता है, इसलिए वहां भी समझ नहीं आता है. तो यहीं से समझ के जाओ सेगमेंट क्या होता है. क्या होता है सेगमेंट? मतलब हिस्सा. तो हिस्सा जरूरी थोड़ा ना लाइन का ही हो. कल को सर्किल का भी मैं कहूंगा सेगमेंट बनाओ, ये देखो ये सर्किल का सेगमेंट हो गया, सर्किल का एक हिस्सा हो गया ये. कल को मैं कहूंगा रेक्टेंगल का सेगमेंट करो, तो इतना पार्ट काट दो, तो ये रेक्टेंगल का सेगमेंट हो गया. तो सेगमेंट तो किसी का भी बन सकता है. यस सर. यस सर. ठीक है, ठीक है, चलते हैं लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पे. ये तो समझाने के लिए था. जो आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी है वो है, ये है कि अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स. उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं था और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं. अच्छा, दो एंड पॉइंट्स है तो इसको मेजर करते हैं हम किस किस में, या तो mm में या cm. mm मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स एक्सेट्रा, ये इसकी यूनिट्स है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं. फिर नीचे देखो मैंने डिनोट भी किया हुआ है. पहले तो L नाम की लाइन बना दी, उसमें इसको सेगमेंट कर दिया, काट दिया. तो A से लेके B तक जो चीज दिख रही है इसको मैं कहूंगा लाइन सेगमेंट AB. क्या कहूंगा इसको? लाइन सेगमेंट AB. समझ आया यहां तक? यस सर. क्लियर लिख देता हूं मैं इन. In mm, cm, and इस तरीके से. क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? ठीक है, पहले के नोट्स लिखे हुए दूसरे सिस्टम में, तो हो सकता है कि थोड़े से सिस्टम में जब अपन नोट्स ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े से ये अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज साफ साफ पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा. ठीक है, इन mm. मतलब स्पेलिंग भी गलत मत लिखिएगा, ठीक है ना? स्पेलिंग भी सही लिख लो. इन mm, cm एंड सो ऑन. m किलोमीटर माइल तक. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. यस सर. अब इसको डिनोट किससे कराते हैं? सुनो, उसको तो सिंगल लेटर से कराते थे, इसको डबल लेटर से कराएंगे एंड दैट शुड बी कैपिटल. उसको सिंगल से कराते थे और वो भी था स्मॉल, इसको डबल से कराते हैं एंड दैट आर कैपिटल लेटर्स. टू कैपिटल लेटर्स, ठीक है, और दो कैपिटल लेटर्स. जैसे कि यहां पे मैंने ए से लेके बी तक काट दिया तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? ए बी, या फिर और कोई लेटर हो सकते हैं, बी सी, पी क्यू, एक्स वाई. अच्छा, इनका उल्टा कर दोगे, जरूरी नहीं है कि ए से लेके बी, आप बी ए भी लिख सकते हो, इस बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो, इस पी क्यू को क्यू बी भी लिख सकते हो, दोनों एक के ही लिखने के तरीके. समझ आया? ठीक है ना, तो आप ऐसे नोट्स बना लेना, ए बी और बी ए एक ही बात है, बी सी और सी डी एक ही बात है, पी क्यू और क्यू पी एक ही बात है. जैसे एक्स वाई का भी अगर दूसरी फॉर्म लिखें तो वाई एक्स एक ही बात. ठीक है, यस सर. लाइन हो गया साहब, लाइन सेगमेंट हो गया. अगली चीज आती है रे. अब रे क्या है साहब? रे इन दोनों का मिक्सचर है. आप सोचो, लाइन क्या थी? नो एंड पॉइंट, इनफिनाइट, नो एंड पॉइंट. हाँ, सिंपल सी बात में बात करूं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विथ नो एंड पॉइंट. अच्छा, एक चीज इससे पहले, एक चीज और सुनो, जो हमने ऊपर लिखी थी ना, लाइन की एक डायमेंशन होती है लेंथ, वो लेंथ भी लाइन की नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की होती है. मैंने ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं किया इस चीज को क्योंकि लाइन सेगमेंट अभी पढ़ाया नहीं था, पढ़ा दिया लाइन सेगमेंट क्या है. तो जो लेंथ है ना, एक डायमेंशन जो है वो भी लाइन का नहीं है, क्योंकि लाइन के तो इन कहीं भी वो वेरी करेगी. अभी मैं कहूँ इस लाइन की लंबाई बताओ, अभी मैं कहूँ इस लाइन की लंबाई बताओ, तो बता सकते हो क्या इस लाइन की लंबाई? नहीं बता सकते, क्योंकि एंड पॉइंट ही नहीं है, ये तो चलती जा रही है दोनों साइड, तो कैसे लंबाई बताओगे?
क्या भागते जाओगे क्या लाइन के साथ? बोलो, नहीं बता सकते ना? तो लंबाई भी किसकी होती है, लेंथ भी किसकी होती है? लाइन की नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की होती है। उसको लिखा हमने वहां पर है, लेकिन याद रखना लेंथ भी लाइन सेगमेंट की ही होगी, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट हो गए तो आप स्केल उठाओगे, ऐसे लेके बी नाप लोगे, कह दोगे सर लंबाई है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई किसकी नाप पाए आप? लाइन सेगमेंट की नाप पाए, ना कि लाइन की नाप पाए। इज दैट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम रे, द थर्ड वन। अरे कहाँ चले गए हम, ये रे, रे ये यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा कंजस्टेड है, यहाँ से ये रे स्टार्ट है, ठीक है ना? समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा इसको नीचे कर दूं क्या? ये लो, ठीक है भाई। ठीक, हाँ जी। तो पहले रफली समझा देते हैं रे क्या होती है, व्हाट इज द रे। देखो तो लाइन क्या थी, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, नो नो एंड पॉइंट, या फिर मैं यूं लिख दूं जीरो एंड पॉइंट, जीरो एंड पॉइंट चलेगा ना, नो लिखूं या जीरो लिखूं। सेगमेंट क्या था, लाइन सेगमेंट क्या था, टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, समझ रहे हो? मैंने क्या कहा, रे इन दोनों का मिक्सचर है, तो जीरो और टू का एवरेज क्या लोगे, वन ही तो लोगे, इनके बीच का नंबर क्या है, वन। तो रे क्या हो गई, जिसमें एक एंड पॉइंट हो, लाइक दिस, ये एक एंड पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, वन एंड पॉइंट। क्लियर? रे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, किरण। जैसे सूरज की किरण होती है, तो सूरज की किरण है या किसी भी ऑब्जेक्ट की किरण है, तो जहां से वो निकल रही है वो पॉइंट तो फिक्स है ना, पर जहां जा रही है वो पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है? जहां से निकल रही है वो पॉइंट तो फिक्स है, भाई सूरज से निकल रही है, कहां किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, लेकिन जहां भी जा रही है वो फिक्स नहीं है ना, समझ रहे हो? आवाज आ रही है, रिस्पॉन्ड करते जाओ, ठीक है ना? आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, ठीक है। तो रे क्या हो गया बेटा, रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट फिक्स एक पॉइंट नॉन फिक्स। तो चलिए डेफिनेशन वाइज लिख लेते हैं इसको, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, है तो ये भी लाइन का ही पार्ट, लेकिन इसमें दो एंड पॉइंट्स होते थे सेगमेंट में, यहां पे वन ही एंड पॉइंट है। देखो ये तो है मेरे पास एक रे, और ये तो है एक लाइन, है ना? उस लाइन में मैंने एक एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, एक, जैसे उसमें दो फिक्स कर रहा था ना मैं ए और बी, यहां पे एक ही एंड पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया ए। लेकिन एक चीज याद रखना कि रे जिस ओर जा रही है उसको एक डायरेक्शन दी जाती है, उस डायरेक्शन को भी एक लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते कि सर एक ही एंड पॉइंट है तो मैं रे ए लिख दूं, रे ए नहीं लिख सकते, आपको दूसरी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। आपको लिखना तो रे ए एक्स ही पड़ेगा, लेकिन याद रखना उसमें केवल पहला वाला पॉइंट एंड पॉइंट है, पहला वाला, हमेशा पहला वाला पॉइंट ही एंड पॉइंट रहेगा, दूसरा वाला डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है, भाई डायरेक्शन बताने के लिए भी एक्स डायरेक्शन में ये रे जा रही है, ठीक है? इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते रे एक्स ए, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला फिक्स एंड पॉइंट होना चाहिए, एक्स फिक्स एंड पॉइंट है नहीं, फिक्स एंड पॉइंट ए है, तो पहले ए ही लिखना पड़ेगा और फिर डायरेक्शन वाला लेटर लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गई आपकी रे ए एक्स, ये भी पार्ट ऑफ लाइन ही है लेकिन इसका एंड पॉइंट एक ही होता है, दो नहीं होते। डिनोट कैसे करेंगे हम इसको, वही सेम दो कैपिटल लेटर से जैसे इसमें किया था। अच्छा, इसको लिखने के लिए अब सपोज करो मैंने लिख दिया ए एक्स, तो आप पहचानोगे कैसे, ए एक्स तो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और रे भी हो सकता है, ये तो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और रे भी हो सकती है, क्योंकि दोनों को डबल कैपिटल लेटर से डिनोट करा रहे हो। तो उसको लिखने का तरीका होता है, जब हम रे लिखेंगे तो उसके पीछे एक ऐसा साइन बना देते हैं रे का, इसका मतलब होता है रे ए एक्स, रे बी वाई, रे सी जेड एक्सेट्रा, ठीक है? जो फिक्स पॉइंट होता है उसको तो ए बी सी से डिनोट किया जाता है जनरली, और जो डायरेक्शन वाले पॉइंट्स होते हैं उनको जनरली एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। हालांकि आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप पी क्यू भी लिख सकते हो, रे पी क्यू, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं,
स्टैंडर्ड तरीका क्या है, जो फिक्स पॉइंट है उसको ए बी सी डी ई ऐसे डिनोट किया जाता है, जो डायरेक्शन है उसको एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। समझ गए? यस ठीक है साहब। नीचे आते हैं, अगला टॉपिक लिखिए कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जानते हो क्या होता है कॉलिनियर? सर हम तो एक ही कॉलिन जानते हैं जो हमारे घर पे मम्मी लेके आती है, कॉलिन जिससे टीवी साफ करती है ना, एक ही कॉलिन जानते हो? जानता है कोई? व्हाट इज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉलिनियर? बताओ कॉलिनियर का मतलब। पहले डिस्कस किया है क्या हमने ये कॉलिनियर? नो सर, नहीं किया। तो जानते हो क्या क्या होता है कॉलिनियर का मतलब? एनीवन? हितेंद्र बोलो, शिखी? सर ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर टिकी हो। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, लाइन नहीं होती। सामने लिखा हुआ है कोलिनियर, लाइन नहीं होती। कोलिनियर तो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स। अब आगे बोलो क्या ऐसे पॉइंट्स जो जो किसी लाइन के ऊपर हो, जो किसी लाइन के ऊपर हो। तो हर एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर हो सकता है। मान लो सपोज करो मेरी मर्जी है, मैंने ये पॉइंट यहाँ डाल दिया, तो ये पॉइंट भी एक लाइन के ऊपर हो सकता है। मैंने ये पॉइंट यहाँ डाल दिया, ये पॉइंट भी इस लाइन पे, हर एक पॉइंट किसी लाइन पे तो हो ही सकता है। अब वो लाइन बनी हुई है या नहीं बनी हुई है इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, वहां पे लाइन बनाई तो जा सकती है। तो फिर तो हर एक पॉइंट ही कॉलिनियर हो गया, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, देखो उसको इसका संधि विच्छेद करते हैं, सी ओ को आगे देखो एल आई एन ई लाइन आ रहा है, को प्लस लाइन। को का मतलब क्या होता है? साथ में। साथ में। लाइन का मतलब लाइन पर, लाइन यानी एक साथ एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। एक साइड एक ही लाइन पे, अलग अलग लाइन पे नहीं, एक ही लाइन पे। यानी सर लाइन फिक्स है उस पे पॉइंट हो गए वो कोलिनियर। हाँ, एक लाइन फिक्स कर दी, अब पॉइंट्स इसी पर लाए होने चाहिए, दोनों तीनों चारों पांचों, ये सब कोलिनियर होंगे। जैसे कि नीचे फिगर देख रहे हो, तो देखो ए सी डी ओ ये चार पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। यस सर। फिर उधर चलो बीईओ भी कोलिनियर है, ये भी एक लाइन पे आ रहे हैं। बीईओ ये भी एक लाइन पे आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स ये भी कोलिनियर हो गए। यस सर। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ डी और ई कोलिनियर हैं क्या, तो बोलो क्या कहोगे? नो सर नहीं है। नो, डी अलग लाइन पे आता है, ई अलग लाइन पे आता है। समझ में आई? ठीक है। या मैं आपसे पूछूं कि ए सी और बी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या, आप कहोगे नहीं है सर, ए सी और बी कोलिनियर नहीं है ना। सर क्यों, सर ये लाइन तो एक ही है ना। लाइन एक का है, लाइन की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, आपने डायरेक्शन बदल दी दूसरी लाइन हो गई, वो ये दूसरी लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, दो दो डायरेक्शन नहीं होती है। या रे कह दो, रे की भी एक ही डायरेक्शन है। भाई रे है, ये दो रेज हैं, देखो इनका एक पॉइंट फिक्स है ओ, ओ पॉइंट से एक रे यहां जा रही है, एक रे यहां जा रही है, तो ये दो अलग अलग रेज हैं। अच्छा अब रे बोलूं, सुनो मेरी बात, अब मैं रे बोलूं या लाइन सेगमेंट बोलूं या लाइन बोलूं, तीनों एक ही मान के चलना। अब आगे बार बार मैं, जैसे मैंने इसको गलती से कह दिया कि ये बेटा एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो ऐसे मत कहना कि सर ये लाइन थोड़ी है तो रे है। वो लाइन के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, जब दो पॉइंट फिक्स हो जाए तो लाइन सेगमेंट, जब एक पॉइंट फिक्स हो तो रे, और एक भी पॉइंट फिक्स ना हो तो लाइन। तो जल्दीबाजी में अपन इसको लाइन भी कह देंगे, लाइन सेगमेंट भी कह देंगे, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में रे को लाइन, लाइन को लाइन सेगमेंट। अब डिटेल में जाओगे तो फिर एंड पॉइंट गिनने पड़ेंगे। समझ में आ गई? तो आप देखो ये रे है, तो मैंने आपको कहा एक ही लाइन पे लाए करने चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि एक ही रे पे भी लाए करेंगे तो भी कोलिनियर होंगे, क्योंकि रे भी तो एक लाइन ही है, लाइन का ही तो हिस्सा है। तो ये एक अलग रे है, इसका डायरेक्शन अलग है, ये एक अलग रे है, इसका डायरेक्शन अलग है। ये ए और सी तो चलो एक पे आ रहे हैं, लेकिन बी तो अलग जा रहा है, तो ए सी और बी को कोलिनियर नहीं कहा जा सकता, दे आर नॉन कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। समझ में आया? यस सर। तो लिखो द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। अब लाइन में अंडरस्टूड है कि लाइन भी हो गई, ऑब्लिक लाइन सेगमेंट भी हो गया, ऑब्लिक रे भी हो गया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, लाइन बोलते ही समझ जाना तीनों की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. अच्छा एक इसका उल्टा लेकिन सही नहीं है, याद रखना। देखो जब मैं कहूं लाइन, तो अंडरस्टूड है कि लाइन भी है,
लाइन सेगमेंट की भी बात वहां पे हो रही है और रे की भी बात हो रही है, क्योंकि ये तीनों एसी की फॉर्म्स है। लेकिन उसका उल्टा सही मत मान लेना, अगर मैं कहूं लाइन सेगमेंट तो फिर लाइन सेगमेंट ही मानना। ऐसा नहीं कि सर लाइन सेगमेंट कह रहे हो तो भी मैं रे मान रहा हूं लाइन मान रहा हूं, केवल जब लाइन कहूंगा तो तीनों मीनिंग निकल के आएंगे। जब लाइन सेगमेंट कहूंगा तो फिर लाइन सेगमेंट पे स्ट्रिक्ट रहना, और जब मैं रे कहूंगा तो रे पे स्ट्रिक्ट रहना। रे लाइन सेगमेंट नहीं बन सकती, लाइन सेगमेंट रे नहीं बन सकते, रे लाइन नहीं बन सकती, लाइन सेगमेंट ही रहेगी, रे रे, लेकिन लाइन तो तीनों बन सकती है। ठीक है? यस सर। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने क्या कहा था, एक लाइन पे लाए करें तो अंडरस्टूड है, एक लाइन सेगमेंट पे भी लाइन कर सकते हैं, एक रे पे भी लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन पे लाए करें आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, और इसका उल्टा कर दो। अगर डू नॉट लाए आ जाए, अगर उस पे लाए नहीं कर रहे हैं, लाए का मतलब समझते हो ना, ये लाए यहाँ पे लायर वाला लाए नहीं है, झूठ बोलने वाला लाए नहीं है ये, है ना। हालांकि उसकी स्पेलिंग भी यही होती है, लाई जो झूठ बोलने वाला लाए उसकी स्पेलिंग भी यही होती है, लेकिन यहाँ पे लाए का मीनिंग क्या है, रखा हुआ होना या पड़ा हुआ होना। यहाँ पे ये पॉइंट्स एक लाइन पे रखे हुए हैं तो वो कॉलिनियर है, और एक लाइन पे लाए नहीं करते यानी रखे हुए नहीं है सेम लाइन पे, तो दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से, हो जाए तो बताओ। यस सर। सर हो गया, हो गया इतेंद्र, बाकी बच्चे देखो कोशिश yes, करो समझने पे हम ज्यादा फोकस करें, और जो हम लिख रहे हैं वो चाहो भाई आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो चाहो तो आप अभी रफली लिख लो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप बाद में उसको अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में फेयर, क्योंकि ये ज्योमेट्री के नोट्स हैं, आपके पास अच्छी हैंडराइटिंग में भी होने जरूरी है ताकि आप अच्छे से बाद में रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आप चाहो तो अभी आप क्या कर सकते हो, रफली नोट डाउन कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम फोकस करो कि हम चीजों को समझने में दें बजाय कि लिखने में टाइम वेस्ट करें। रफली लिख लो, बाद में कर लेना फिर। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? जब तक मैं थोड़ी सी इसकी चेंजेस वेंजेस करता हूँ तब तक आप कर लिया करो ये काम, जैसे जो अक्षर टेढ़े मेढ़े हो गए। क्या था यहाँ पे, ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है साहब, चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो वेरी गुड, शिखी समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पे इसी के हिसाब से दिया हुआ है जो ऊपर फिगर है, तो नोट डाउन कर लो। वैसे तो मैंने समझा दिया है, क्या कह रहा है ये, पॉइंट्स ए सी डी ओ आर कोलिनियर, ऑल्सो ओ ई बी बी कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक एक ग्रुप में तो आ रहा है ए सी डी ओ, ये एक ग्रुप में आ रहा है ओ ई बी, ये लिख लो जल्दी से। जो ऊपर फिगर बनाया उसी के अकॉर्डिंग बस इसको लिख लिया एक बार हमने। यस सर। चले आगे। यस सर। अच्छा आप चाहें तो बच्चों सुनो, आप चाहें तो वीक में कुछ एक आध क्लासेस फिक्स कर सकते हैं जिसमें आप ऑफलाइन आ सकते हैं ना, लेकिन सारी नहीं, धीरे धीरे खोलेंगे अपन, है ना, हर चीज को एक साथ नहीं खोलेंगे ताकि किसी की नजर में भी ना आए और सेफ भी रहें, क्योंकि हमारा सेफ रहना भी जरूरी है, क्योंकि डेली ऑफलाइन आएंगे तो अब ये देखो हमने सुना है कि शायद सेप्टेम्बर में थर्ड वेव आने वाली है, तो फालतू हम बीमार हो जाए ऐसा काम भी नहीं करना है हमको। तो ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो, ग्रुप बना रखा है मैंने आपका, आप वहाँ पे अपने विचार विमर्श आप करते नहीं हो कभी, वो एक अलग बात है, मैंने आपको बोला है अब आप बड़े हो चुके हो तो ये सारी डिस्कशन आपको आपस में फ्रेंड्स भी बनाने हैं, है ना, सोशली आपको इन्वॉल्व भी होना है, आप ग्रुप में डिस्कशन कर लिया करो कि ऑफलाइन आ सकते हो कि कौन से दिन आना चाहते हो या क्या, है ना। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लासेस होगी सर टाइमिंग क्या होगी उनकी? यही सेम टाइमिंग रहेगी बेटा, टाइम तो कैसे बदलेंगे, टाइम नहीं बदल सकते, यही सेम टाइम ही रहेगा। मतलब देखो 6:30 तक उनकी क्लास रहती है, लेकिन आज वो पहले बार ही ऑफलाइन आए थे तो वो लेट आए थे, अब देखो कल वो टाइम पे आते हैं तो 6:30 खत्म हो जाए, फिर अपन एक काम करेंगे ऑफलाइन क्लास का टाइम 7:00 से रखेंगे अगर आप आते हो तो। ठीक है ना, 7 to 8। ठीक है,
तो आपके अगर स्कूल की क्लासेस होती हैं तो देखो एक बेनिफिट और मैं आपको दे सकता हूँ कि आपकी जो स्कूल की क्लास तो अभी ऑनलाइन ही चलेंगी है ना, तो आप चाहो तो आपकी स्कूल की क्लासेस यहाँ एकेडमी बैठ के भी आप ले सकते हो, भाई घर पे डिस्टर्बेंस भी होता होगा, यहाँ पे आपको वाईफाई वगैरह सब सुविधा मिलेगी, काफ़ी सारे बच्चे लेते भी हैं स्कूल की क्लासेस यहाँ पे लेके। मैं जैसे मान लो 8 बजे एग्जैक्टली शुरू हो गई है, आप घर नहीं पहुँच पा रहे हो तो आपका फ़ोन यहीं ले आओ और यहीं पर आप एकेडमिक वो क्लास भी ले सकते हो, फ़ोन पर नहीं ले सकते तो यहाँ पर सिस्टम भी है, प्रोजेक्टर वगैरह सब है, यहीं पर आप ले सकते हो, ठीक है ना, तो आप डिसाइड कर लेना। ओके नेक्स्ट सर, बस एक बार सर पूछ के बता देंगे सर आपको। हाँ जी पूछ के बता दूँ, एकेडमी का एड्रेस सब जानते ही हैं, हालांकि बच्चे तो पुराने ही हो, सौम्या तो जानती है, शिखी नहीं जानती होगी, तो शिखी आप बात कर लेना पापा से, मैं पापा को बता दूंगा कहाँ पर है एड्रेस। हितेंद्र आप तो पहुँच ही जाओगे शायद, जानती हो है ना, अंश जानता ही है, अंश तो आता था पहले, रोहित का ही तो भाई है, और कौन है यश, यश भी जान, यश आप तनिषा से पूछ लेना ना, तनिषा आती थी पहले, ठीक है। यस सर, चलो, और तनिषा शायद कल से भी आएगी, तो आप देख लेना कैसे मैनेज करोगे, साथ में भी आज पर साथ में आओगे तो इतनी देर बैठ के क्या करोगे, उसकी क्लास तो सुबह चलेगी, देख लेना आप, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट चीज इज एंगल्स, तो चैप्टर का नाम था लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड क्या था आगे, एंगल्स, लाइंस के बारे में डिस्कशन हो गया, लाइंस के बारे में डिस्कशन हो गया, अगली बारी किसकी है, एंगल्स के बारे में डिस्कशन करने की, तो अब एंगल की हेडिंग डालो, बिफोर दैट हेडिंग तो डाल दो एंड लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन बिकॉज इट इज अबाउट टू बी ओवर। ओके बच्चों, लेट अस कंटिन्यू। एंगल, एंगल की डेफिनेशन लिखो पहले, डेफिनेशन में हो सकता है चीजें इतनी समझ में ना आए, फिर प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी, तो एक बार लिख लो, लिखने का काम खत्म करो। इट इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, INCLINATION, इंक्लिनेशन formed at the point where two lines or line segments or rays, तीनों हो सकती हैं, वैसे तो मैं लाइन भी लिख देता तो तीनों चीजें अंडरस्टूड थी, लेकिन मैंने खोल के पूरा ही लिख दिया, लाइन्स भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, रेस भी हो सकती है, मीट मिलते हैं, इज कॉल्ड एन एंगल, और इट इज मेजर्ड इन, इसकी जो यूनिट्स हैं वो हैं या तो डिग्रीज या फिर रेडियंस एक्सेट्रा, बाकी की यूनिट्स आप अभी नहीं सीखोगे, 11th में जाके सीखोगे, अभी तो आप एक ही यूनिट जानते हो जिसको अपन कहते हैं डिग्री, अभी तो आप एंगल को डिग्री में ही मेजर करोगे क्लास 9th में तो, और 10th में भी, 11th में आप दूसरी यूनिट्स भी होती हैं उनको भी सीखोगे, रेडियंस वगैरह आती है ना, तो इतना लिखो एक बार फिर बात करते हैं, समझाते हैं थोड़ा। कोई चीज स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ आ रही है तो प्लीज पूछो, सब समझ आ रहा है क्लियर? यस सर, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स में कई बार क्या होता है समझ नहीं आता है, प्रिंटेड नहीं है, नहीं है, हाँ सर डन हो गया। यस सर। अच्छा एंगल कैसे बनता है सब जानते हैं, बना तो दो एक बार फिर बात करते हैं, ये एंगल हो गया हमारा एंगल ए ओ बी, हो गया। Yes, sir. रे में एक चीज बताना भूल गया मैं, ऐसे ही सुन लो, कुछ लिखो मत भले, रे में बेटा जो एक पॉइंट फिक्स होता है ना जहां से रे निकलती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर आप कह सकते हो इंसिडेंट पॉइंट, जहां से रे निकल रही है, इंसिडेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना, चालू होना, तो चालू कहां से हो रही है उसको हम इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। हाँ जी, अब देखो मुझे एक चीज बताओ, यूं ही जनरली बात करते हैं, मैंने कहा ये एक लाइन है तो यहां से लेके यहां तक जो आपने मेजर किया उसको क्या कहेंगे, लेंथ, या हिंदी में कहेंगे लंबाई, हिंदी में हम क्या कहेंगे, लंबाई। तो ऐसी दुनिया में और भी चीजें होती हैं जिनको नाप के हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे इसको नाप के नाम दे दिया लंबाई, है ना, तो दूसरी भी क्राइटेरिया होते हैं ना जिससे हम चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उस नाम दे दें, तो इन्होंने इंक्लिनेशन को नाप लिया, किसको नाप लिया साहब, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है लटकाव, लटकाव, चीज कितनी लटकी हुई है,
जैसे हम कहते हैं ना कि ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब होता है लटकना। मैंने कहा कि राम जो है पहाड़ से इंक्लाइंड है, मतलब राम पहाड़ पर लटका हुआ है। तो कैसे लटका हुआ है, किस पोजीशन पे लटका हुआ है, उसी को नाप लिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल ये एक, यानी कि किस एंगल पे लटका हुआ है वो, उसको नाप के उसी को तो नाम दिया एंगल। एंगल ही तो समझा रहा हूँ, एंगल क्या है, जो वो लटकाव है। मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे से लटकी हुई हैं, तो जरूरी थोड़ा ना ऐसे लटकेंगी, वो तो कल को ऐसे भी लटक सकती हैं, वो तो कल को ऐसे भी लटक सकती हैं। तो इनका लटकाव बदल रहा है बार बार, इधर कुछ और लटकाव है, इधर कुछ और लटकाव है। लटकने की स्टाइल कह दो, लटकने की पोजिशन कह दो, ये चेंज हो रही है। इस पोजिशन को, इस स्टाइल को, इस लटकाव को, या इस इंक्लिनेशन को ही कहते हैं एंगल। समझ आया भाई, एक नाम देना है ना हमको, जैसे वो हमने नापा उसको नाम दिया लंबाई। तो इस लटकाव को बार बार थोड़ा ना कहेंगे कि ये रे इस के कितने डिग्री पे लटक रही है, तो हमने उसको नाम दे दिया कितने डिग्री से कनेक्टेड है, उसको हमने नाम दे दिया एंगल। तो हम उसको बार बार एंगल एंगल कहेंगे। तो डेफिनेशन में हमने लिखा है कि जिस इंक्लिनेशन ऑफ टू रेस, टू लाइन सेगमेंट्स या टू रेस, देखो द इंक्लिनेशन फॉर्म्ड, जो लटकाव बने, फॉर्म हो, क्रिएट हो, एक पॉइंट पे बनता है वो लटकाव। जैसे यहाँ पे ओ पे बन रहा है, वो लटकाव बन रहा है, किससे बन रहा है, या तो दो लाइंस वहां पे मीट होंगी, या दो लाइन सेगमेंट्स भी मीट हो सकती है, या दो रेस भी मीट हो सकती है। जनरली हम रेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं एंगल में, क्यों, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो फिक्स हो गया, दूसरा इनफाइनाइट जा रहा है, और इधर भी एक पॉइंट फिक्स हो गया दूसरा है। तो मैं कह सकता हूँ ना, ये भी ए ओ, ओ ए भी एक रे है, ओ ए, और दूसरी रे कौन सी है, ओ बी। स्टार्टिंग वाला पॉइंट पहले लिखना, डायरेक्शन बाद में लिखना। तो ओ ए और ओ बी जहाँ पे मीट करेंगे, ओ पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ओ पॉइंट ही पर मेरा एक इंक्लिनेशन बनेगा, उस इंक्लिनेशन को क्या कहूंगा मैं, एंगल। समझ आया? Yes, sir. तो इंक्लिनेशन का नाम तो है, एक नाम दे दिया, नाम तो है एंगल, उसको नापने का, जैसे लंबाई, लंबाई नाम तो दे दिया, लेकिन लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर किलोमीटर, ये सब उसकी यूनिट है। उसी तरीके से नाम तो दे दिया हमने एंगल, लेकिन उसको नापते कैसे हैं, क्या यूनिट्स हैं इसकी, डिग्री या फिर रेडियन और एक्सेट्रा और भी हैं। जनरली हम डिग्री में ही इसको इस साल और अगले साल नापेंगे, अगले उससे अगले साल फिर रेडियंस की भी बात करेंगे। यहाँ तक कोई क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जैसे लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, तो फिर हमने ये भी देखा कि इसको डिनोट कैसे कराते हैं, तो अब एंगल को भी डिनोट कैसे कराएंगे वो भी सीखना है हमको। तो एंगल को डिनोट कराते हैं या तो ट्रिपल कैपिटल लेटर या सिंगल कैपिटल लेटर। क्या कहा मैंने, सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करा सकते हो जैसे एंगल ओ, या तीन कैपिटल लेटर से जैसे कि एंगल ए होगी। सिंगल कैपिटल लेटर से जब आप डिनोट कराते हो, तब तो बस केवल उस पॉइंट का नाम लिख दो, उस पॉइंट को लिख दो जहां पे ये दो रेज या दो लाइंस मीट कर रही हैं, जहां पे मिल रही हैं, जहां पे लटकाव हो रहा है, केवल उसको लिख दो, तो वो सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करना हो गया। और तीन कैपिटल लेटर से डिनोट कराओगे तो फिर तीनों पॉइंट्स लिखो, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, सेंटर में वो रखना, सेंटर में वो रखना जहां पे एंगल बन रहा है, और अगल बगल में वो रखना जहां से आया जहां गया। और उल्टा भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ा ना इसको एओबी बोलो, इसको आप बीओए भी बोल सकते हो। तो ट्रिपल लेटर में लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, एओबी के साथ बीओए भी बोल दिया मैंने। ठीक है, कैसे डिनोट कराएंगे, या तो सिंगल कैपिटल लेटर, लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, तो लेटर हुए। हाँ, दो ही तो लेटर हुए, ए ओ बी तीन नहीं हुए, एक दो तीन, तीन कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे। सेंटर पॉइंट तो हमेशा ओ से डिनोट रहेगी क्या, सेंटर, सेंटर में हमेशा वही पॉइंट रहेगा जहां पे एक्चुअली ये दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर में वही रहेगा, अगल बगल वाले अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, ए बी इधर लिख लो या बी ओ इधर लिख लो, तो चाहो तो बी ओ ए लिखो या ए ओ बी लिखो, तीन कैपिटल लेटर से सेंटर तो हमेशा वही रहेगा, सेंटर तो वही रहेगा, कुछ भी हो जाए सेंटर नहीं बदलेगा। और सेंटर कौन सा होगा, जहां पे मीट कर रहे हैं, अगर ए पे मीट करते तो ए सेंटर में रहता, बी पे मीट करते तो बी सेंटर पे रहता। ठीक है, यस सर। कई बच्चों को अभी एंगल बोलना नहीं आता, मतलब ये एंगल ओ यहाँ पे 60 डिग्री है, तो उसको बोलूं कैसे, ये बोलना नहीं आता, कैसे बोलोगे इसको, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऐसे बोलोगे,
या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी बोल सकते हो, या सिंगल लेटर में भी बोल सकते हो कि एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों तरीके सही हैं बोलने के, ठीक है? यस सर। तो तीन कैपिटल लेटर्स और एक सिंगल कैपिटल लेटर। अच्छा जी, अब आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिंगल कैपिटल लेटर से भी डिनोट करा सकते हैं, तीन से भी करा सकते हो, तो ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, तीन से या सिंगल से? चार हो जाएंगे या पांच हो जाएंगे या दो हो जाएंगे, ऑप्शन तो दो ही है ना, या तो सिंगल लेटर या तीन लेटर, तो पता है वो तो तीन ही होंगे। अब बताओ तीन ही क्यों, सिंगल से काम चल रहा है ना, तो फिर क्यों चीज को बढ़ाना, बताओ, बोलो सौम्या। सर उनके अलग अलग नाम है तो वो भी पता चल जाता है एंगल में, और उनका जो मतलब फिर मुझसे ना उनका जो मतलब जितना मेजर कर रहे हैं वो भी पता चल सकता है, वो एंगल ओ से पता चल रहा है, एंगल ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री, पता चल रहा है कि एंगल ओ ही 60 डिग्री है। अगर सपोज करो मैं यहाँ लिख दूँ एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री, मैं कहूँ सौम्या बेटा एंगल ओ बराबर 60 डिग्री है, इसको फिगर में मार्क करो, तो आप यहीं पे मार्क करोगे या और कहीं जाके मार्क करोगे? ए पे मार्क करोगे क्या 60 डिग्री, या बी पे करोगे, ओ पे ही करोगे? Yes. तो फिर इससे भी पता चल रहा है, मतलब करीब करीब सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रही जो इससे नहीं मिल रही है, तो फिर तीन ही क्यों? उसका कारण सुनो अब ध्यान से, और इस चीज को नोट करना, नोट करने का मतलब माइंड में नोट करना। देखो यहां पे एंगल ओ बोलूं तो वो 60 डिग्री, जैसे मैंने 60 डिग्री लिखा, आपने कह दिया सर एंगल ओ बराबर 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। अब लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं और यहां सी मार्क कर दूं, क्या अब मैं इसको, ये 60 डिग्री है, तो क्या अब मैं इसको एंगल ओ बराबर 60 डिग्री कह दूं तो ये इंफॉर्मेशन इस फिगर को जस्टिफाई करती है क्या? नहीं करती है। क्यों? अरे ओ पे दो एंगल बन रहे हैं, ओ पे दो एंगल बन रहे हैं यहां भी और यहां भी, ओ पे दो एंगल बन रहे हैं यहां भी और यहां भी, राइट साइड वाले एंगल को कहूंगा एंगल एओबी, एंड लेफ्ट साइड वाले एंगल को क्या कहूंगा, एंगल एओसी, सीओए, सीओए या एओसी, दो नाम तो खोल ही सकते हो, समझ में आया? तो तीन लेटर सिंगल लेटर देना, अब सुनो दोनों ही सही है अपनी जगह, सिंगल लेटर देना तब प्रेफरेबल माना जाता है जब, जब इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं बेटा, अभी शायद मैं आगे लिखवाऊंगा अभी सही, जहां पे दोनों पॉइंट्स मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। सिंगल लेटर से डिनोट कराना तब फायदेमंद होता है या प्रेफरेबल होता है जब वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा हो, तो एक ही एंगल बन रहा है तो अंडरस्टूड होता है कि यही बन रहा होगा, लेकिन जब वर्टेक्स पे दो एंगल बने, राइट लेफ्ट या नीचे ऊपर कहीं पर भी, चार भी बन जाते हैं, तीन भी बन जाते हैं, ये लो एक और बन गया, ये लो एक और बन गया, ये लो, ओ पे कितने सारे एंगल्स बन गए, तो जब एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हो तब आपको तीन लेटर में डिनोट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती है। आप AOC को नहीं लिख सकते 60 डिग्री, आप AOB को ही 60 डिग्री लिख सकते हो यहाँ पे, समझ आया? Yes, sir. तो yes, sir. सिंगल लेटर से बोलना कब ज्यादा फायदेमंद है या कब प्रेफरेबल है, बोलो सौम्या। जब एक से ज्यादा एंगल हो, जब वर्टेक्स पे एक ही एंगल हो, जिस वर्टेक्स की बात हो रही है वहां पे एक ही एंगल दिखाई दे रहा है, और तीन लेटर में बोलना कब फायदेमंद या कब प्रेफरेबल माना जाएगा, जब वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल, एक से ज्यादा एंगल हो। अब एक से ज्यादा एंगल हो तो फिर 60 डिग्री, भाई मैंने कह दिया एंगल हो, सपोज करो आप खुद सोचो, मैंने कह दिया बेटा एंगल ओ 60 डिग्री, तो आपको क्या सपने आ रहे हैं कि ये 60 है? चलो यहाँ तो आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा एंगल दिख रहा है, 60 तो दिख नहीं रहा, चलो ये तीन बना दिए। अब आपको क्या सपने आ रहे हैं कि ये 60 है या ये 60 है या ये 60 है? मैंने तो सिंपल इतना कह दिया एंगल हो 60, तो कहाँ डालोगे 60? तो इसलिए आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन आपकी अधूरी है, आप तीन लेटर में कहो। अब अगर मैं कहूँगा ए ओ बी 60 तो ये डाल दोगे, अगर मैं कह दूंगा कि ए ओ डी 60 तो ये डाल दोगे, और अगर मैं कह दूंगा डी ओ सी 60 तो ये डाल दोगे, समझ आया? तो तीन लेटर में बोलना ही पड़ेगा यहाँ तो, और कोई चारा ही नहीं, ठीक है? और तीन लेटर में बोलने का तरीका समझ लो बेटा, फिर से समझा रहा हूं, सेंटर में तो वो लोगे जहां पे एंगल बन रहा है, और अगल बगल में वो लेटर्स लोगे जो उसकी इंसिडेंट जो रेज हैं, वो रेज कहां जाके खत्म हो रही है, सुनो फिर से,
फिर से सुनो भैया, क्योंकि यहाँ पे पूरा कोर्स खत्म हो जाता है लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों ये चीज समझ नहीं आती। मुझे ये वाला एंगल डिनोट कराना है तो कहाँ बन रहा है साहब, ये ओ पे बन रहा है, तो ओ तो सेंटर पे रहेगा। अब ये वाला एंगल जो है ये किस किस से बन रहा है, एक तो रे ए ओ से, ए ओ नहीं बोलूंगा ओ ए बोलूंगा क्योंकि ओ से शुरू हो रही है ना, एक तो रे ओ ए से और एक रे ओ बी से, राइट, एक तो रे ओ ए से और एक रे ओ बी से बन रहा है ये। तो ये रे ओ ए कहां जाके खत्म हो रही है, ए पर, और ये रे ओ बी कहां जाके खत्म हो रही है, बी। तो ये ए और बी ही रहेंगे अगल बगल, या तो ए ओ बी कह दो, या तो ए ओ बी कह दो, या बी ओ ए कह दो, सेंटर पे वो रहेगा जहां पे बन रहा है, और अगल बगल में वो पॉइंट्स रहेंगे जहां पे वो रे खत्म, मतलब रे तो खत्म नहीं होती लेकिन आपने उसकी डायरेक्शन क्या लिखी है, इसकी ए लिखी इसकी बे लिखी है, तो ए और बी अगल बगल में रहेंगे, चाहे से बी ए ले लो चाहे से ए बी ले लो। समझ आया एंगल को बोलना, इस वाले एंगल को कैसे बोल के बताओगे, बोलना जरा, ए ओ सी, ए ओ सी, या फिर दूसरा तरीका, या फिर सी ओ ए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मुझे बताओ ये वाला एंगल कैसे बोलोगे, बोल के बताओ, तीन लेटर में बोलोगे, वन लेटर में बोलना संभव है क्या, पहले तो बताओ सिंगल लेटर में बोलना संभव है क्या, नो सर, जे पे तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, चलो तीन लेटर में बोलना, एफ जे आई, देखो अब लिखने के इतने सारे तरीके हैं इसके, जे पे तो एंगल बन रहा है तो जे तो सेंटर पे रहेगा ही रहेगा, ये रे कहाँ जाके खत्म हो रही है, मैं ये भी कह सकता हूँ सर ये एफ पे खत्म हो रही है, ये आई पे खत्म हो रही है, तो आप एफ जे, हाँ वो भी बात करूंगा अभी, एफ जे आई भी बोल सकते हो और इसका उल्टा भी बोल सकते हो, आई जे एफ, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो सर मैं तो ए पे लेके जाऊंगा इसको, ए पे खत्म करूंगा, तो वो भी कर सकते हो आपकी मर्जी, और इसको मैं सी पे खत्म करूंगा, अब बोलो सर, पर ये जे तो सेंटर में तो आया नहीं सर, जे क्यों, सेंटर का मतलब ये थोड़ी ना है कि जितनी लंबाई यहाँ पर है उतनी लंबाई यहाँ पर है, सेंटर का मतलब इनके बीच में तो आ रहा है ना, ए जे सी, सी जे ए, सेंटर में ही तो आ रहा है, ए जे सी या फिर सी जे ए, ऐसे डिनोट करा सकते हो। अच्छा इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, कैसे, ए जे और यहाँ पे आई, वहां पे तो पूरा ए तक ले लो और यहाँ पे केवल आई तक ले लो, ए जे आई, सॉरी हाँ ये यही तो है, ए जे आई या आई जे ए, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ तो पूरा सी तक ले लो और वहां एफ तक ले लो, तो एफ जे सी, सी जे एफ, एक ही एंगल है, उस एंगल को लिखने के 10 तरीके पता चल गए, समझ आया, यस सर, बोलो बच्चों समझ आया, सौम्या, क्योंकि आगे चल के फिगर आएंगे ऐसे घूमे फिरे, अभी जैसे मैंने ये तो काफी सरल फिगर दिया है, मान लो घुसे हुए होंगे एक दूसरे के अंदर फिगर, वहां पे मैं कहूंगा बेटा इस एंगल का नाम बताओ, तो आप देखते ही बता देने चाहिए कि सर ये एंगल एफ जे आई है, मैंने कहा इसका नाम बताओ, आप कहोगे सर ये एफ जी एच है या फिर ई जे एच है या फिर ई जे सी बी है या फिर एफ जी सी बी है या फिर सी जी एफ बी है, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है, ए जी बी भी है, ए जी बी नहीं है, गलत कह रहे हो, ए जी बी तो पीछे वाला एंगल है, ए जी बी मैं अंदर वाला कह रहा हूं, एफ जी एच होगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर, यस, क्लियर है सभी को, गर्ल्स दोनों गर्ल्स को क्लियर है, यस सर, ठीक है, चलते हैं, अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, जितना ही पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, आज हमने कुछ भी नहीं किया, केवल जूनियर क्लासेस का रिवीजन किया है जो हम फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते थे, अब कल से हमारा एक्चुअल ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन होंगे वो कल आएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हेडिंग डालिए, डाल दी हेडिंग, यस सर, अब देखिए इंटरसेक्ट का मैंने वापस वही कहूंगा मीनिंग को से शुरू करिए, बेस से शुरू करिए, तो वर्ड लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, तो मैं उसी के मीनिंग से शुरू करता हूं, इंटरसेक्ट, इन
इंटरसेक्ट, क्या मतलब होता है इंटरसेक्ट करने का? काटना, 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 वेरी गुड, सही कहा काफी आपने, काटना। तो जब कोई लाइन एक दूसरी लाइन को काट रही है, जैसे ये लाइन है L और ये लाइन है M, या कोई लाइन सेगमेंट काट रही है या रे काट रही है, अंडरस्टूड है कि तीनों चीजें की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई लाइन एक दूसरे को काट रही है, काट रही है यानी क्रॉस करके जा रही है या छू के निकल रही है, कैसे मान लो, तो जैसे कि इसी भी एक पॉइंट पे छू रही है, तो मैं कहूंगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है ये, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस? काटने वाली लाइंस, हिंदी में बात करूं तो कटी हुई लाइंस या काटने वाली, एक दूसरे को काटना चाहती है, एक दूसरे के खून की प्यासी है, काटना चाहती है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। सेकेंड केस, सेकेंड केस, एक लाइन ये है एल, आपने ट्रेन की पटरी देखी है सबने, तो ट्रेन की जो दो पटरियां होती हैं, क्या वो कभी एक दूसरे से मिलती हैं या मिल सकती हैं? क्योंकि अगर वो मिल जाएं तो फिर तो ट्रेन ही उतर जाए पटरी से, है ना, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी क्या? मान लो एग्जाम्पल ले लिया ने, तो इनको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक दूसरे की खून की प्यासी नहीं है, इंटरसेक्ट करना तो दूर की बात, ये तो एक दूसरे के नजदीक भी नहीं आ रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनके बीच में यहां जितनी दूरी है इधर भी उतनी ही दूरी है, अगर यहाँ 5 मीटर की दूरी है तो यहाँ पे 1 इंच भी कम ज्यादा नहीं है, वही 5 मीटर की दूरी यहाँ पर है, वही 5 मीटर की दूरी यहाँ पर है, वही 5 मीटर की दूरी यहाँ पर है, इवन 4.99 भी नहीं हो सकती, सेम ही रहेगी, तभी ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इनको दूसरे शब्दों में एक नाम दिया गया है, बता सकता है कोई? पैरेलल लाइन्स, ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इनसे का दूसरा नाम है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं समांतर, समांतर मतलब समान अंतर वाली लाइन्स, इनके बीच में अंतर हमेशा समान है, डिफरेंस समान है, इधर डिफरेंस 5 का है तो इधर भी अंतर समान है, इधर भी अंतर समान है, पैरेलल लाइन्स। तो देसी भाषा में तो समझ गए होंगे कि इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है। यस सर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है एल और एम? सर इंटरसेक्टिंग, सोम्या बताओ, शिखी आप बताओ, बोलो शिखी, इंटरसेक्टिंग, अंश बोलना, हाँ यश आप बोलो, इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, कैसे कह रहे हो इंटरसेक्टिंग बताओ, सर आगे जाके होंगी, सर आगे जाके होंगी, तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही हो, जैसे पहले दिख रही थी ये भी इंटरसेक्ट होती हुई अभी नहीं दिख रही है, बट मुझे पता है कि जब ये आगे जाएगी, ये तो सीधी जाएगी, ये टेढ़ी जाएगी, कभी ना कभी तो ये इंटरसेक्ट होगी, क्योंकि टेढ़ी है, टेढ़ी है तो फिर नॉन इंटरसेक्टिंग ही रहेंगी। अब कैसे पता लगाएंगे कि सर ये आगे जाके बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप केवल इतना नोटिस करो, यहाँ पे गैप कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है गैप, बताओ। यस सर। तो मैंने क्या कहा था, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स में गैप कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, न कम होगा ना ज्यादा होगा, यहाँ पे बदल रहा है, तो जब भी गैप बदलेगा जब भी, तो वो हमेशा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही केस होगा, क्योंकि ये कम है, आगे चल के और कम होगा, आगे चल के और कम होगा, आगे चल, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां बिल्कुल कम होके जीरो हो जाएगा गैप और एक दूसरे से बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है सभी को? तो ये तो कौन सी लाइन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ओ सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये अभी इंटरसेक्ट होती हुई नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन होंगी तो सही, कभी ना कभी तो होंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कैटेगरी में जाएंगी, ठीक है।
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जिनको कितना भी आगे बढ़ाओ वो कभी भी नहीं मिलेंगी, और इसका उल्टा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आगे बढ़ाने पर मिल जाए या अभी मिली हुई दिख रही है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्ट से वर्ड बना है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट से वर्ड बना है बाइसेक्ट। आपने सुना होगा बाइसेक्ट कर रही है ना, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब सुने होंगे आपने, लेकिन कभी पूछा नहीं होगा टीचर से कि क्या कह रहे हो सर बताओ तो सही। पूछा कभी किसी से? सर हमको हाँ सर पता है। पता है आपको? अच्छी बात है, पता है तो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर ये पता चल जाए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है तो वो एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सब पता होगा फिर हमको। बाइसेक्ट का मतलब इंटरसेक्ट से ही बना है वो। सोचो सर, इक्वल पार्ट में काटना। इंटरसेक्ट मतलब काटना, बाइसेक्ट बाई का मतलब होता है दो, बी आई बाई, बाई का मतलब क्या होता है दो, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब काटना, जैसे बाइनोमियल लिखते थे ना, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स वाला पॉलीनोम, तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटना। एक तो है केवल काटना, एक है दो इक्वल पार्ट्स में काटना। कैसे? सपोज करो मैंने ये ले ली लाइन, लाइन को तो अब इक्वल पार्ट्स की बात होगी तो फिर लाइन सेगमेंट लेनी पड़ेगी, लाइन नहीं ले सकते क्योंकि लाइन की तो लंबाई फिक्स ही नहीं है। अगर मैंने ले लिया ए बी ए और मैंने एक लाइन ले ली एल, तो ये लाइन एल जो है इस सेगमेंट को केवल काट रही है, केवल इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि इसको इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ती है। देखो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा थोड़ा बड़ा है, एंड यहां से लेके यहां तक का हिस्सा छोटा है, तो ये केवल काट रही है उसको लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रही है ना, केवल इसको भाजित कर रही है, विभाजित कर रही है लेकिन द्विभाजित नहीं कर रही है। इसका मतलब होता है विभाजित करना, इसका मतलब होता है द्विभाजित करना। तो केवल काट रही है लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रही है, समझ गए? Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसी लाइन को इसके बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कराऊं लाइक दिस, तो अब बताओ ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है या बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन? क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सोचो सोचो। इंटरसेक्ट भी कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है। इंटरसेक्ट तो कर रही है क्योंकि काट रही है, दैट मींस इंटरसेक्ट कर रही है। ये बड़ा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को कि सर बाइसेक्ट कर रही है, आपने तो कहा था इंटरसेक्ट कर रही है ना, और बाइसेक्ट तो इंटरसेक्ट की अगली स्टेज है ना, बाइसेक्ट तो इंटरसेक्ट की अगली स्टेज है, तो अगर बाइसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट तो ऑटोमेटिकली करेगी। तो ये लाइन एल ए बी को इंटरसेक्ट भी कर रही है, ऐसे भी कह सकता हूँ, और ऐसे भी कह सकता हूँ कि लाइन एल ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे भी कह सकता हूँ। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, बाइसेक्ट के बाद तीसरी स्टेज आती है ट्राइसेक्ट। हालांकि आपके कोर्स में आपको कम दिखाई देगी ये चीज, अगले साल 10th में दिखाई देगी, लेकिन जब बात चली रही है तो कर लो। फिर आता है क्वाड्रासेक्ट, फिर आता है पेंटासेक्ट, यानी बढ़ता जाता है। ट्राइसेक्ट मतलब अब वो लाइनें सर जितने भागों में बांट रही है, तीन भागों में बांटे, तो अब तीन भागों में, इस एबी को तीन भागों में बांटने के लिए एक नहीं बल्कि दो लाइनों की जरूरत पड़ेगी। एक मैंने यहां बना दी एल और एक मैंने यहां बना दी। अब ये देखो इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वन पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस, एंड थर्ड पार्ट इज दिस। समझ रहे हो? यस सर। तो ये होता है ट्राइसेक्शन, यानी तीन पार्ट्स में पार्ट, तीन पार्ट्स में बांटने के लिए फिर दो लाइन की जरूरत है, एक लाइन से काम नहीं चलेगा, दो पार्ट्स में बांटने के लिए एक ही लाइन की जरूरत थी। तो समझ में आया सबका मतलब? इंटरसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना, ट्राइसेक्ट करना, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, सब समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब लिख लो, अब लिख लो, लिखना तो वैसे फॉर्मेलिटी है। सर अंश तो सोते सोते ले रहा है सर क्लासेस। अंश क्या कर रहे हो भाई? हां सर। सोते सोते क्यों ले रहे हो क्लास? सर सोते सोते नहीं ले रहे। ये कैसे कह रहा है हितेंद्र? फिर आपको कहाँ दिखा हितेंद्र? सर अभी इसका कैमरा चालू था सर। हाँ भाई हंस। नहीं सर, सोते सोते तो ले नहीं रहे सर। अच्छा चलो मैं मम्मी से पूछूंगा, आ जाना। लिखो व्हेन टू और अंश आपको अब एडमिशन करवाना है, मम्मी को बोलना है कि सर ने बोल रखा है एडमिशन करवाना ही करवाना है अब तो, है ना? ठीक है। व्हेन टू और मोर लाइंस, व्हेन टू और मोर लाइंस हैव वन पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट कॉमन है। अब देखो एक पॉइंट कॉमन है ना, जब एक दूसरे को आप काट रहे हो, देखो
इस डेफिनेशन के हिसाब से समझो इस चीज को, है ना। आप कहोगे सर आपने समझाया कुछ और, डेफिनेशन कुछ और लिख पा रहे हो। मान लो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है या नहीं है? यस सर। अब जो लाइन एल है, लाइन एल है उसमें मान लो एक पॉइंट है ए। भाई लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। Yes, यह है बी, यह है सी, इसमें कहीं ये पॉइंट भी इसी में आया होगा जैसे ई e, फिर एफ, और लाइन एम के भी कुछ पॉइंट्स मार्क कर दो जैसे कि पी क्यू आर एस टी। मुझे बताओ पॉइंट ई e जो है लाइन एल में भी लाया कर रहा है और लाइन एम में भी लाया कर रहा है, यस ओ नो? यस सर। तो ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वो हैं जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, समझे क्या? यस सर। ये लाइन बहुत सारे पॉइंटों से बनी है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये लाइन भी बहुत सारे पॉइंटों से बनी है, लेकिन एक पॉइंट मिलेगा जो दोनों में कॉमन है तभी वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, नहीं तो नहीं कहलाएंगी। समझ में आया? yes, चलो तो नोट डाउन करो फिर जो हमने लिखा, जो हमने समझा उसको नोट डाउन कर लेते हैं। When two or more lines have one point common between them, दोनों के जितने भी पॉइंट है उसमें एक पॉइंट कॉमन दे दो। That is, अब इसको और विस्तार से समझा दिया हमने, that is they meet at a point, अब एक पॉइंट कॉमन है मतलब एक पॉइंट पे वो मिल रही हैं, then they are called intersecting lines, और इसका उल्टा कर दो तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहां तक नोट डाउन कर लिया इंटरसेक्टिंग लाइन्स तक? yes, yes, sir. नीचे चलते हैं और इसी का उल्टा होगा नीचे, वैसे तो देख लो। When two or more lines do not have a point common, अब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, उसके अपने अलग पॉइंट्स हैं, इसके अपने अलग पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो भाई? पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता ना, ये एक पैरेलल लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग, ये एक पैरेलल लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग, इसके जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, उसके जो पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, बताओ कोई भी पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या जो इसमें भी हो और उसमें भी हो? नो सर। नो, नहीं हो सकता। दैट मींस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन बिकम्स कि व्हेन टू और मोर लाइंस डू नॉट हैव अ पॉइंट कॉमन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, दैट इज, फिर विस्तार से समझा दिया, दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल सकती, देन दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जल्दी से मार्क लिखिए डेफिनेशन। ठीक है सर। यस सर। हाँ जी, देन दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों का नीचे एग्जांपल ले लो, जो पहला एग्जांपल है वो तो है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, एल और एम वहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। इसके कुछ पॉइंट्स भी ले लिए मैंने ए ओ बी, इसके पॉइंट्स ले लिए सी ओ डी, और ओ पॉइंट को मैंने कॉमन ले लिया, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैंने ए बी सी डी ई एफ कोई भी पॉइंट कॉमन लिया, इस लाइन का नाम ले लिया मैंने पी स्मॉल क्यू। ये दोनों के फिगर्स बना लीजिए एग्जांपल के तौर पे। ये है डी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये ओ है इसे, ये सी, ये बी। इस लाइन का नाम रख दिया मैंने स्मॉल पी, इस लाइन का नाम, क्योंकि लाइन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से देते हैं हम, सिंगल लेटर से, इसका एल, इसका, ठीक है, बना लिया फिगर? यस सर। यस सर। क्या कह रहा है? हेयर लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, जिसकी फिर व्याख्या भी कर दी मैंने नीचे कि लाइन एल और एम ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए लाइन एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और बट सेकंड केस में क्या है? लाइंस P एंड Q डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स, लाइंस P और Q किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो लाइंस P और Q को क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की दूसरा नाम मैंने आपको बता ही दिया है,
क्या है इसका दूसरा नाम? पैरेलल। पैरेलल। अब यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, अभी रुको। दिखा हुआ आ गया ना ये पैरेलल। हाँ तो ब्रैकेट में डाल दो आप पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की ही दूसरी भाषा है, मतलब दूसरा नाम है पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल, यहां तक लिख लिया? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन क्या थी, बोलना जरा। इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन क्या थी? तो जिसमें से दो लाइन है सर, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, उनमें और कोई कॉमन पॉइंट हो। एक पॉइंट कॉमन हो, कोई नहीं। क्या दो पॉइंट कॉमन हो सकते हैं क्या इतेंद्र, या तीन हो सकते हैं क्या? एक ही होना चाहिए। No, सर, एक ही होगा। एक ही होना चाहिए। यस सर। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट कॉमन है, वन कॉमन पॉइंट, ऐसे लिख सकता हूं मैं? अच्छा जी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा बोलो, कितने पॉइंट कॉमन होते हैं इसमें? सर इसमें जीरो पॉइंट कॉमन होते हैं। जीरो कॉमन पॉइंट, एक भी नहीं होता, राइट? सही बोला मैंने? यस सर। अब सुनो, क्या ऐसी लाइंस है क्या जिसमें इस वन और जीरो के अलावा जैसे टू पॉइंट्स कॉमन हो जाए, या थ्री हो जाए, या फोर हो जाए, या फाइव हो जाए, ऐसी लाइंस भी हैं क्या दुनिया में? ये केवल ये दो ही तरह की लाइंस होती हैं, एक वन पॉइंट कॉमन वाली और एक जीरो पॉइंट जीरो कॉमन पॉइंट वाली। मैं कहूं मुझे दो पॉइंट कॉमन करने, तो ऐसी लाइंस बना सकते हो क्या? और फिर बना सकते हो तो उसको इंटरसेक्टिंग की कैटेगरी में डालोगे या नॉन इंटरसेक्टिंग की कैटेगरी में डालोगे? वो तो चलो कैटेगरी में कौन सी डालेंगे अगली बात है, पहले बात तो बताओ बना सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? क्या एक बार वापस बोलो ना सर, आवाज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन में वन पॉइंट कॉमन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में जीरो पॉइंट कॉमन। मैंने कहा ऐसी लाइंस बना सकते हो क्या जिसमें इनके अलावा, वन और जीरो के अलावा और कोई फिगर आ जाए, जैसे दो पॉइंट कॉमन आ जाए, या तीन पॉइंट कॉमन आ जाए, या चार पॉइंट कॉमन आ जाए, तो बना सकते हो क्या? और फिर बन जाएंगी, मान लो बन गई, तो फिर उसको इंटरसेक्टिंग की कैटेगरी में डालोगे या नॉन इंटरसेक्टिंग की कैटेगरी में डालोगे बोलो? सर ऐसी लाइन तो बनी नहीं सकती। बनी नहीं सकती, देखो ध्यान से, मैंने लिख ली लाइन एल, लाइन एल एक मैंने लिख ली, लाइन एम जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, कलर चेंज कर देता हूं, इसी के ऊपर चढ़ी हुई है, यहां से लेके यहां तक मार्क कर ली मैंने। अब मुझे बताओ एल और एम में कितने सारे पॉइंट्स कॉमन है? मान लो मैंने ये एक पॉइंट ए यहां मार्क किया, तो ए एम में भी है और एल में भी है, और अगर मैंने बी मार्क कर दिया तो बी भी दोनों में है, यस और नो? यस और नो बताओ। सी मार्क कर लिया, सी भी दोनों में, लाइन सेगमेंट हो जाएगा ना? नहीं, लाइन सेगमेंट का तो एंड पॉइंट होता है ना बेटा, ये एंड पॉइंट थोड़ा मार्क किया है, एंड पॉइंट नहीं मार्क किया, ये एम एक लाइन है, मैं ये कह रहा हूँ एम एक लाइन है जो इन तीन पॉइंट्स का कलेक्शन है, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना? यस सर। तो लाइन एल भी तो इन तीन पॉइंट्स का कलेक्शन है, या फिर मैं एक पॉइंट चौथा पॉइंट यहाँ डाल दूं ई, तो लाइन जो है इन चार पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो लाइन एल और एम के पॉइंट्स जितने भी हैं उसमें तीन पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, आ सकते हैं ज्यादा भी? तो मैं ये कह सकता हूं कि थ्री और फोर का तो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि मोर देन वन पॉइंट कॉमन आ सकते हैं, मोर देन वन, एक ही नाम दे दिया मैंने मोर देन वन, मोर देन वन में आप टू भी हो गए, थ्री भी हो गए, फोर भी हो गए, फाइव भी हो गए, इवन इनफाइनाइट हो गए, तो दो लाइंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन एल और एम के बीच में मैं क्या कहूंगा, कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? इनफाइनाइट। कितने? क्योंकि इसमें तो इस लाइन में तो इतने पॉइंट्स हैं, मैं गिन भी नहीं सकता, अभी ए और बी के बीच में भी करोड़ों पॉइंट्स हैं, मैं सबको थोड़ा मार्क कर सकता हूँ, हर छोटी छोटी डिस्टेंस पे पॉइंट है ना? यस सर। बोलो, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स वाली लाइंस भी हैं। अब बन तो गई सर, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स वाली लाइंस तो सर केवल उस पर लाई करेगी ना?
इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स वाली लाइन वही होगी जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लेटी हुई है, बिल्कुल उसी में ही समाई हुई है ना। ठीक है, मुझे ये बताओ ये इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स वाली लाइन कह दो या मोर देन वन कॉमन पॉइंट, एक ही बात है, या तो ये बात कह दो ऑब्लिक लगा देता हूँ या फिर इसको आप नॉन इंटरसेक्टिंग में डालोगे या इंटरसेक्टिंग में डालोगे, ये बताओ। इंटरसेक्टिंग में डालोगे, क्यों क्यों, कारण भी बताओ सर। नो इंटरसेक्शन सर, काट रही नहीं सर, काट नहीं रही है, इतने सारे पॉइंट्स पे काट रही है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स पे काट रही है, किसने का नहीं काट रही, कैसे डालेंगे सर। क्या सर, हम लीव हो रहे हैं, हमारी स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई, बस एक मिनट का और है लेना देना, सुनो। हाँ देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए था, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स में जीरो कॉमन पॉइंट होने चाहिए थे, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग भी नहीं है क्योंकि इसमें तो एक से ज्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट वो है, कॉमन है। तो फिर इसका एक अलग नाम होता है, जो अभी आप नाम सुन लो, लिखना मत, बस आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, इनको कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। जैसे को लीनियर पॉइंट्स होते थे, को लीनियर पॉइंट्स होते करते हैं फटाफट। देखो बच्चा, पॉइंट्स में हम नाम देते थे को लीनियर पॉइंट्स, लाइन्स में हम नाम देंगे को इंसिडेंट लाइन्स। को का मतलब साथ में, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है। कोलिनियर में एक लाइन पे होती थी, को इंसिडेंट में मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कहां से स्टार्ट हो रही है, तो को इंसिडेंट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से वो दोनों लाइन से स्टार्ट हो रही है, ए से भी स्टार्ट होना मान सकते हो, बी से भी, सी से भी, तो इन लाइन्स को हम कहते हैं को इंसिडेंट लाइन। ये तीसरी कैटेगरी है, इसको ना तो इंटरसेक्टिंग माना गया ना नॉन इंटरसेक्टिंग माना गया, इसको तीसरी कैटेगरी मान ली गई, को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, हालांकि इसको इंटरसेक्टिंग का एक सब पार्ट माना गया है, इंटरसेक्टिंग स्पेशल टाइप की इंटरसेक्टिंग। भाई इंटरसेक्टिंग स्ट्रिक्टली वो होती है जो एक ही पॉइंट पे करे, एक से ज्यादा पे ना करे, लेकिन एक से ज्यादा पे करती है तो ये इंटरसेक्टिंग का स्पेशल टाइप है, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बारे में समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो हाल फिलहाल चाहे से आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी आपके कोर्स में इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग मेन है, जो आपको सीखनी है। तो आज के लिए काफी है, जितना भी हमने आज सीखा ये यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने, पहले तो ये बताओ यहाँ तक नोट डाउन हो गया। ठीक है, आगे की कहानी हम कल देखेंगे, कल से हमारा ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आज तो हमने केवल इधर उधर की बातें करी, आपकी बेसिक नॉलेज मैंने चेक करी, भाई आपको कितनी नॉलेज है, कितना जानते हो आप, फिर थोड़ा सा उसको करेक्ट किया, किसी ने सही बताया तो ठीक है, नहीं गलत बताया तो उसको उसका करेक्शन किया, ये सब हमने किया, मतलब रिविजन किया हमने जूनियर क्लासेस का। कल से ये चैप्टर जो है असली मायनों में शुरू होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, कल टाइम पे आ जाना, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।